जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, और ये इसका दूसरा एक्सरसाइज है संविधान सभा। हालांकि वीडियो तीसरा होगा, क्योंकि अभी तक हमने 39 नंबर प्रश्न तक संविधान सभा में कम्प्लीट कर लिया था। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मीन्स एडफर्स्ट में वीडियो शेयर करता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट मीन्स एक लिस्ट होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो 13 समिति गठन किया गया था उसका मैंने लिस्ट वहाँ पे भेज दिया, तो वहाँ मुझे कुछ भेजना आसान होता है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे 40वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसौदा भी कहा जाता है, मसविदा, समिति की नियुक्ति कब की गई थी। आपसे प्रश्न ऐसे आएगा, प्रारूप समिति कब गठित किया गया था। यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। ओके, भारतीय संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 41 नंबर। प्ररूप समिति या मसौदा समिति, मसविदा समिति हालांकि होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही पूछा जाएगा कि संविधान का मसविदा किसने तैयार किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान सभा के प्ररूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, 7, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्ररूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें से राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे, जबकि ए कृष्णास्वामी, गोपालाचारी अय्यर और बी आर अम्बेडकर, ये सब प्ररूप समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन प्ररूप समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ भी सेम प्रश्न इस टाइप का आ गया, उसके सदस्य नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, जबकि के एम मुंशी, एम सदाउल मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अय्यर, ये सब मसविदा समिति के सदस्य थे। टोटल 7 था। संविधान की प्ररूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। प्रस्तावना जब भी हो, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, इसका जिक्र मैंने कहा था, सहमति और समायोजना पे, सहमति और समायोजना पे, अधिक लोगों की सहमति जिसमें होती थी वो निर्णय लिया जाता था। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। इसको फिर से रिपीट कर लो, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। देखो, ये सब प्रश्न अभी आपको आसान लग रहा होगा, एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी ये टफ हो जाता है। ओके, अगर यहीं पे ऑप्शन दे देता, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन ही अलग अलग है, जैसे कि भारतीय संसद दिया है, दे देता भारतीय, भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, तब कन्फ्यूजन शुरू होता है। ओके, तो प्रश्न को ध्यान से देखो, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था। जनवरी 22, 1947 इसी दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पारित किया गया था। आगे प्रश्न है 51 नंबर, संविधान निर्माता सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रध्वज जो बना, इस समिति के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, उसके थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था। मतलब हमारा जो झंडा है वर्तमान में, उसको संविधान सभा ने कब गठन किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई भी याद रख लो, क्योंकि 22 जुलाई को अभी भी हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। संविधान, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था।
अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतिम रूप से तैयार हो गया था पर फिर भी सम्मेलन या फिर नया नया ऑब्जेक्ट जो था उसमें जोड़ा जाता रहा। जैसे कि अगर बात करें हमारा राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय पक्षी, ये सब बाद में मीन्स जब 26 जनवरी 1950 होता है तब तक इसमें कुछ ना कुछ संशोधन या जोड़ा जाता रहा। ओके, तो ये हमारा बस है संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया, तो यह है 26 नवंबर 1949, जिस दिन सब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला था, अंतिम रूप से किस दिन मिला था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन राष्ट्रीय गान जोड़ा गया था। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, मतलब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस पे हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो 395 अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, भाग का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, और 8 अनुसूची। फिर से रिपीट करते हैं, मूल संविधान जो था हमारा, जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद था, 22 भाग मीन्स 22 पार्ट, और 8 अनुसूची था, इसको याद कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हालांकि ये प्रश्न अब एग्जाम में आता नहीं पर रेलवे में कभी कभी पूछ लेता है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, मीन संविधान कब से लागू हो गया, तो 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनिगमन अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, उसके सदस्य थे डिफरेंट प्रांत जो था उसके विधानसभा द्वारा नामित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे आपका आंसर होता है। इसमें स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था, स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। जरा कमेंट बॉक्स में बताना है अब आपको कि सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान हो इस टाइप का, मीन्स बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये कब कहा था ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका पहला जो वीडियो था इसमें ऐसा प्रश्न आया था, मैंने जिक्र भी किया था, तो वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे एक ही कथन सही है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ओके, बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ओके, और ये मीन्स अंगीकृत आत्मपित ये सब किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र हो गया, जब संविधान हमारा अपना बन गया तो हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, इसमें से कौन कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही है, तो यहाँ पे कथन एक और कथन चार सही है, मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था बिल्कुल, और चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, दोनों कथन यहाँ पे 100% सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न बहुत बार आता है। ओके, प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था, मीन्स 9 दिसंबर का दिन किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। फिर 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, ये ग्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। संविधान पांडुलेखन समिति मीन्स वो जो लेखनी होता है जो लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन उसके सदस्य नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सदुल्ला, ए के अय्यर और के एम मुंशी उस पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। 67वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को,
26 जनवरी 1950 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 1930 दिया गया, कहीं कि 1929 लिखा रहा था, ओके 1930 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें पहली बार स्वतंत्रता दिवस का मांग किया गया था, ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वराज की परिकल्पना की गई थी, तो इसीलिए उस तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया, या यूँ कह लें कि संविधान उस दिन लागू किया गया था। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, 15 ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। तो टोटल 69 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट किया। आगे लेसन आपका है भारत का प्रस्तावना। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो, और कुछ त्रुटि रह गई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको क्लियरिफाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।